उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत जोर दी। हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है जिसे लोग अधिक बोलते हैं। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस में अपनी मातृ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और देश का आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी भारतीय वासियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हिंदी भाषा ने भावों का अभिव्यक्ति है, हर मातृभूमि पर मिटने का शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज यहाँ आया हूँ हिंदी दिवस के बारे में बताने के लिए। हिंदी दिवस भारतीयों के लिए बहुत अनोखा और प्राचीन दिन है। यह दिन में हमारा भारत सरकार ने हिंदी दिवस को हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा बना दिया था। हिंदी हमारे लिए बहुत अनोखा और प्राचीन एक भाषा है। भाषा से ऊपर ये एक बहुत बड़ी समृद्धि के बारे में भी बोलता है। महात्मा गांधी ने भी हिंदी के बारे में कहा कि ये एक बहुत सुंदर भाषा है। हिंदी हर एक राज्य में बताने वाला एक भाषा है। सभी राज्य में हिंदी बोलने वाले आदमी है। जैसे हमारे भारतीयों सभी राज्य में है, वो सब वहाँ हिंदी को लेके जाते हैं। हिंदी के आने का दौरान जो है पुराने पुराणों में से ही हिंदी और संस्कृत का आगमन हुआ है। हिंदी एक बहुत विविध भाषा है और बहुत अच्छा भाषा है। नमस्कार। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ साईं जासिम अली द्वारा लिखित बचपन नाम कविता सुनाने जा रही हूँ। जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन एक जमाना था। जब घर में रहते थे आजादी अच्छी लगती थी, आज आजादी है फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना, पिज्जा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और माँ के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको ही इंटरनेट पर तलाशते हैं। खुशी किसमें होती है ये पता अब चला है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। काश तब्दील कर सकते हम जिंदगी के कुछ साल, काश जी सकते हम जिंदगी भरपूर फिर एक बार। जब अपने शर्ट में हाथ छुपाते थे और लोगों से कहते फिरते थे, देखो मैंने अपने हाथ जादू से गायब कर दिए। जब हमारे पास चार रंगों से लिखने वाली एक कलम हुआ करती थी और हम सबके बटन को एक साथ दबाने की कोशिश किया करते थे। जब हम दरवाजे के पीछे छुपते थे ताकि अगर कोई आए तो उसे डरा सके। जब आंख बंद करके सोने का ड्रामा करते थे ताकि कोई हमें गोद में उठा के बिस्तर तक पहुंचा दे। सोचा करते थे कि ये छात हमारे साइकिल के पीछे पीछे क्यों चल रहा है। वॉल स्विच को दरमियान में अटकाने की कोशिश किया करते थे। फल के बीज को इस कॉप से नहीं खाते थे कि कहीं हमारे पेट में दर्द न उठ जाए। सालगिरह सिर्फ इस वजह से मनाते थे ताकि ढेर सारे तोहफे मिले। फ्रिज आहिस्ता से बंद करके ये जानने की कोशिश किया करते थे कि उसकी रोशनी कब बंद होती है। सच, बचपन में सोचते थे हम बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं और अब सोचते हैं हम बड़े क्यों हो गए। जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन जमाना था। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित कविता कर्मवीर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि हमें उन लोगों का वर्णन करते हैं जो अगर जीवन में कुछ भी ठान ले तो वो उसे करके ही रहता है। इन लोगों में हिम्मत और संयम होता है। तो आइए सुनते हैं कर्मवीर।
देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचल बन जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आर में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, आज जिसे करना है करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते है वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है देकर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते है नहीं, आज कल करते हुए दिन गवाते है नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते है नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते है नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं तुमके लिए, वे नमूना आप बन जाते हो औरों के लिए, चिलचिलाती धूप को चांदनी देते बना, जो काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा ले लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है ये धना, देखकर भादा विमित बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अमेया हूँ, हरिवंशाय भजन का और ही रवि की सवाल, न किरण का रेड सजा है, कल कुसुम से पंच सजा है, बादलों से अनुचरों में चरण की पेशागदारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, विकह बंदी और चार गा रही है कीर्ति गाय, छोड़कर मैदान बागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलो विजय का पर्दे कदा देकर या, रात का राजा गड़ा है रह में बनकर निकारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निवेद है, आज हम कबीर दास जी को याद करेंगे। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। यहाँ कबीर की दोहाए प्रस्तुत करने जा रहा है गौतम गोविंद और उसके बाद है कीर्तना, द्युति और अपर्णा। आप वो शीतल हो,
वो शीतल हो। Realizing that Mother Yashoda is not going to be convinced, he turns on the defensive and he says, "I am not a doll to dance to your tunes. Here, you can have this grazing stick and the lunch you have lovingly packed for me. I don't need it anymore." Seeing her boy, Yashoda's heart melts, and when she goes to embrace her little son, he whispers in her ear, "Maya Mori, मैंने ही माँ खनकायो, it was me and only me who ate the butter. Thank you.
Thank you.
नक्षत्र है। यहाँ तुलसीदास जी का एक भजन प्रस्तुत करने आ रही है तीर्था प्रमोद। Thank you.
चल सिंधु तरण चल महिमा शाश्वत गाता महिमा शाश्वत गाता जे जन भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता जन गणतंत्र विधाता की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।